सालों याद रहेगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं नरसिंहपुर जिला के आखिरी सीमा झिकोली नर्मदा तट के उस पार नर्मदा तट बौरास में स्वर्गीय गोविंद सिंह राजपूत की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 11 से 22 नवंबर तक यस हुआ था। सालों याद रहेगा यह आयोजन। हजारों की संख्या में पहले दिन से लेकर आखिरी तक नागरिकों ने, श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हम आपको बता दें, स्वर्गीय गोविंद सिंह जी राजपूत हमेशा जय किशोरी जी के प्रवचन टीवी पर देखा करते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम यहाँ पर नर्मदा तट पर यह बड़ा आयोजन करें, लेकिन वह इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनके पुत्रों द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य नर्मदा तट बौरास में किया गया। हम आपको बता दें, स्वर्गीय गोविंद सिंह राजपूत जी की जो जीवन साथी हैं, उनके द्वारा हमें बताया गया कि उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम प्रवचन कराएं, कथा कराएं, श्रीमद् भागवत कथा कराएं, और उनके ना रहने पर मेरे पुत्रों ने जो काम किया, मैं उनको बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ। निश्चित ही उनकी जो जीवन साथी हैं, माता जी हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा आशीर्वाद उनके पुत्रों को दिया गया। हमने उनसे चर्चा की, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जो मेरे जीवन साथी थे स्वर्गीय गोविंद सिंह राजपूत जी, उनकी इच्छा थी कि हम इस नर्मदा तट बौरास पर यह श्रीमद् भागवत कथा कराएं, लेकिन वह नहीं रहे। लेकिन मेरे पुत्रों ने जो काम किया है, उनके लिए बहुत आशीर्वाद मैं देना चाहती हूँ। निश्चित ही उनके पुत्रों ने भी कहा है, हमने यह सोचा भी नहीं था कि हम इतना अच्छा कार्यक्रम करेंगे, और यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो स्वर्गीय गोविंद सिंह जी राजपूत हैं, उनकी जो जीवन साथी है वह हमारे सामने है। आप ये बताएं कि आपके पुत्रों द्वारा इतना बड़ा ये कार्यक्रम चल रहा है जय किशोरी जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया, बहुत खुशी हो रही है, मेरे बहनों ने सब किया, बहुत अच्छा लग रहा है।
इतिहास एक काम हो गया, इतिहास एक कार हो गया। और जो गोविंद सिंह जी जो थे तो इनके जया किशोरी जी के प्रवचन सुनते थे, बहुत शौक था। तो मानती है अच्छा काम किया है पुत्रों ने, बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगी। पूरा नाम क्या लिखती हैं माता जी? आपका नाम क्या है? बीच में नगर परिषद उदयपुर की जो अध्यक्ष हैं और बौरास में जो एक बहू बनकर यहाँ पर भरैया परिवार है उनकी बहू है और भैया भी बीच में है। सर्वप्रथम हम भैया से ही सवाल करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र भैया, कल समापन का कार्यक्रम है, आज और कल क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा जोर से बोल। बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज छठवा दिन है, कल अंतिम दिन है, आज बहुत संख्या में लोग आए भक्त आए हैं कथा सुनने। कल समय का विशेष ध्यान रखें, कल 3 बजे कथा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद प्रसादी है, सभी भक्त आए कथा का श्रवण करें, अंतिम में प्रसादी ग्रहण करके जाए। लाखों की संख्या में भैया भक्त आए हैं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंद आनंद महसूस हो रहा है कि इतनी संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। तब मेरा जो उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त कथा का सुने, तो ये मैं आयोजन में सफल रहा। आपकी माँ थी, अभी मैंने उनसे सवाल किए थे, निश्चित ही वो उनका यही कहना था कि मेरे जो पुत्र हैं उन्होंने एक ऐतिहासिक काम, जो मेरे जीवन साथी थे उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत का कथा हो, तो क्या कहना चाहेंगे? माँ ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया। माता पिता के आशीर्वाद को बना तो कोई संभव नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से माता पिता का आशीर्वाद है, तो देवी देवता का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा। जी क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, कल का दिन, आज का दिन शेष है और कल समापन है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है? कल विदाई का दिन भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, तो ये तो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया, क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म के लिए? ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं जी।